किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे रजिस्पारी मिलाई में। और आज का नया वीडियो जो हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेनड़ी है उसमें जो वार्षिक उत्सव है उसका प्रोग्राम है, जो अभी प्रोग्राम है उसका पूरा वीडियो है। और आप देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आर्यन कक्षा एक आर्यन वो आए और अपना इनाम ले जाए। अंतिमा मीणा, तालियों से इनका स्वागत करते रहे। देखिए पढ़ने में, स्वच्छता में और विद्यालय की उपस्थिति में ये बच्ची हमेशा तत्पर रहती है। कक्षा आठ, इस बालिका के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे विद्यालय में हमेशा सहयोग करने वाले जो बच्चे जो छात्र हैं, अरविंद बेरवा, हेमंत और अपना इनाम ले जाएं। हर समय विद्यालय में सहयोग की भावना रखते हैं, किसी भी काम के लिए तुरंत कहते ही हाजिर होते हैं। सागर मीणा, हरिओम नायक, हरिओम नायक, इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में एक कविता लेकर हम दीवानों की हस्ती शिवानी अंतिमा वह आए और अपनी कविता की प्रस्तुति दें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चल मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ से, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए जग को अपना कुछ लिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ ऐसे और फिर कुछ, कोई चक्कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए, हम भिख मंगो की दुनिया में सो चंद लुटा कर प्यार चल, एक निशानी सी उस पर ले सफलता का भार चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जय हिंद जय भारत। बहुत ही अच्छी इस कविता को के माध्यम से हम सभी को इन्होंने प्रेरित किया है। और इसके बाद अगला नृत्य
बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा 1/2, 2/4 और हमारा जो संसार इसी की भांति बट रहा है, तो इन बच्चों के द्वारा सीख दी गई है कि जब हम बटी रहे हैं तो फिर देश की भावना क्यों रखें। Happy।
बहुत ही अच्छा नृत्य बच्चों के द्वारा इसी नृत्य से खुश होकर के श्रीमान। इसी क्रम में हमारे साला परिवार के बहुत ही सहनशील और बहुत ही तेजस्वी श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय जी, उनके आने के बाद ही हमारा थोड़ा उत्साह और बढ़ गया है। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में जिन बच्चों ने भी भाग लिया है उन सभी को 500 रुपये उनकी तरफ से इनाम दिए गए हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं उनसे चाहता हूं कि वो भी उद्बोधन स्वरूप बच्चों को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। वो आए और अपने आशीष वचनों से प्रेरित करें। उससे पहले श्रीमान अख्तर जी, उनका तिलक लगा करके माल्यार्पण प्रदान करें। वो आए, जोरदार स्वागत के बाद तालियों से। इस वार्षिक उत्सव में पधारे हुए गत वर्ष से यहाँ से निकले हुए बालिकाओं से भी मैं गुजारिश करूँगा वो नीचे बैठ करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सभी बच्चे शांति बनाए रखें। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, वह अपने उद्बोधन से प्रेरित करें। गांव से पधारे हुए समस्त महानुभाव और प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय परिवार आपका आज के दिन हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज का जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम सरकार द्वारा यहाँ पर किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया था, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है वो यही है सरकार के द्वारा कि जो प्रतिभाशाली छात्र यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं या जो छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है और या ऐसे लोग जो भामाशाह के रूप में विद्यालय में सहयोग करते हैं, किसी भी प्रकार से अपना सहयोग विद्यालय को प्रदान करते हैं, उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास सरकार द्वारा इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से किया गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं जिनको यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था वो उपस्थित नहीं होते हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं फिर भी लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विद्यालय में सहयोग की भावना प्रदान करते हैं। हालांकि सब जगह अन्य दूसरे स्थानों पर कहीं भी यदि किसी से भी सहयोग मांगा जाए तो वो सहयोग देने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, लेकिन विद्यालय के प्रति लोगों की ऐसी भावनाएं बनी हुई है कि वहां पर तो बहुत पैसे आते, सरकार बहुत पैसे देती है। आप लोगों के परिवार में कोई अध्यापक होगा उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सरकार विद्यालय में कितना पैसा देती है। सरकार विद्यालय में न मात्र पैसा देती है, मानो आपकी पैसा ही नहीं देती। और कहते हैं कि आप गांव से भामाशाह ढूंढो, भामाशाह के माध्यम से विद्यालय का सहयोग करो। हम लोग जो भामाशाह ढूंढने निकलते हैं तो कहते हैं कि उनके तो विद्यालय में बहुत सारा पैसा आता है, इधर ऐसे ही ढूंढते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते हैं। और ये भावनाएं आज हमारे अंदर जो है ये विद्यालय को और आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलने लगती है। अध्यापक बंधु सोचते हैं कि इस विद्यालय का विकास करेंगे, इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके अभिभावक और गांव के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो विद्यालय में इस सहयोग की भावना रखती ही रही है। मुझे अफसोस होता है कि आज मैंने इस गाँव में
इस कार्यक्रम को करवाने के लिए निमंत्रण भी दिए थे, लेकिन मैंने देखने को मिला कि यहाँ पर मुझे दो चार पांच आदमी ही यहाँ पर मुझे देखने को मिले। ये सबसे बड़ा अफसोस है। शिक्षक तो एक बच्चों को सफलता का मंत्र देता है, एक विचार देता है, और उस विचार को सीखने का कार्य, उस विचार को प्रफुल्लित करने का कार्य एक अभिभावक या माता पिता या उस बच्चे के आसपास रहने वाले नागरिक ही कर सकते हैं। शिक्षक के पास विद्यार्थी 6 या 7 घंटे रहता है, आपके पास तो 18 घंटे रहता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप ही बच्चों को पढ़ाएं, विद्यालय में जितना हो सके उतना सहयोग करें, समय समय पर आपके बच्चों के बारे में विद्यालय में जानने के लिए विद्यालय में उपस्थित हो। बच्चों के दिमाग में तो एक ही बात होती है कि विद्यालय में चलेंगे भी गुरु जी जाने के काम बताएंगे, इसलिए विद्यालय में ही नहीं आते। विद्यालय में आपको आना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहिए, और जितना हो सके उतना सहयोग आपको विद्यालय में करना भी चाहिए। ये भी एक विद्या का मंदिर है, आपके बच्चे का भविष्य यहीं से बनता है, ना कि किसी और अन्य स्थान से। इसी उद्बोधन के साथ मैं अपना विचार समाप्त करूंगा, लेकिन एक बार आप लोग सोचेगा, मन में विचार करेगा कि विद्यालय के प्रति अपना अपने तो बढ़ाए, अपना प्रेम बढ़ाए, विद्यालय में आए, विद्यालय में सहयोग करे, अध्यापकों का सहयोग करें, बच्चों का सहयोग करें। हो सकता है आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ता ही नहीं, मेरा इस विद्यालय से क्या लेना देना है। हो सकता है आज आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, लेकिन भविष्य में आपके बच्चे के बच्चे यहाँ पढ़े, फिर आपको उस समय तक देखने को मिलेगा कि विद्यालय टूट गया। एक माली या एक कोई भी व्यक्ति जब आम का पेड़ लगाता है तो वो सोचे कि इसके आम में खाऊं तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है आम 20 साल 30 साल बाद आए और वहां तक वो व्यक्ति रहे या ना रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें आम के पेड़ लगाने हैं, आम हमें खाने के लिए मिले या ना मिले ये हमारे बाप की बात है। इसी भावना के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इससे हमारे इस विद्यालय पर काफी असर पड़ता है। मैं समस्त ग्रामवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजकर स्थानीय शाला में प्रवेश दिलावें, ताकि शाला परिवार उन बच्चों की शिक्षा के बारे में विशेष रुचि लें। मैं इन बच्चों की तरफ से जो शाला में अभी अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में इन बच्चों की तरफ से आज मनाए हम सब मिलकर उत्सव सालाना साला करे वंदना माँ के सरस्वती गले डाल कर माला आज मनाए हम सब मिलकर उत्सव सालाना साला करे वंदना मात सरस्वती गले डाल कर माला गीतों की बहारों से रागों की झनकारों से गीतों की बहारों से रागों की झनकारों से भारत माँ के लाले हमको सीख मिली परवानों से आज मनाए हम सब मिलकर उत्सव सालाना साला करे वंदना मात सरस्वती गले डाल कर माला नन्हे मोन गिरजा करने बांट लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को
अभी रात तो शुरू है, मंजिल बेटी दूर है। उजियाला मालों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला नहीं सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, दर्दी बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना जर्दा रेगिस्तान है। जय हिंद जय भारत। गुजारिश करता हूँ कि वो भी क्या क्या कविता बोली है, बहुत मस्त मस्त बच्चों। सका सका था दुनिया जगी। वार्षिक उत्सव में कितना एंजॉय आया, बहुत मजा आया। डांस भी अच्छा किया, इनाम भी बढ़िया मिला है ना। फ्री फायर में काम आओगे।
और छपी जनवरी पे कौन कर गया डांस सारा है जा पाचा कशा आवा कशा सॉन्ग पे ए वतन पे छपी जनवरी पे क्या गिव करो कठपुतली।